And do they need to do any other tests apart from like an RT-PCR if someone like if a child. नहीं, माइल्ड इन्फेक्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में बैठ के ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहिए। बच्चे के बीच वाली या पहली उंगली पे आप पल्स ऑक्सीमीटर का प्रोब लगाइए, जब तक वो रीडिंग पूरी अच्छे से आती है आधा मिनट तक लगा के रखिए और उस रीडिंग को नोट करते रहिए। पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे है कि अगर हाई ग्रेड फीवर आए जा रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है कि पल्स पसलियां चल रही हैं, सेचुरेशन 94 से कम आ रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो घबराने की बात है, तब आप अस्पताल जाइए या डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट करिए और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मांगिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेकिन अपने आप होम ट्रीटमेंट कुछ नहीं कीजिएगा। एक चीज यहाँ और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि जो कई बार छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज या 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, जो मदर्स बेबी को फीड करा रहे हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि मदर्स पॉजिटिव हो जाती हैं, तो उस समय क्या करें? उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि अब हम अपने बच्चे के लिए क्या करें, मदर्स पॉजिटिव। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि अगर मदर पॉजिटिव भी हो जाती है तो माँ को बच्चे का दूध नहीं रोकना है। अगर माँ एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव है या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पॉजिटिव है, अच्छे से मास्क पहने, अच्छे से हाथ धोए अपने, फिर बच्चे को गोदी में ले, फीड कराए, फीड कराने के बाद में अपना ही दूध पिलाए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराए, डायरेक्ट फीडिंग कराए, बच्चे को दूध पिलाने के बाद थोड़े से सोशल डिस्टेंस के साथ लेटाए और फिर से अपना हाथ धोए और मास्क पहन के रहे। इन एनी केस, किसी भी कंडीशन में माँ का दूध नहीं बंद करना, क्योंकि माँ के दूध में बच्चे को जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स मिलेंगे, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स मिलेंगे, वो उसको किसी भी चीज में नहीं मिलेंगे, और वही दूध, माँ के दूध ही बच्चे को हर इन्फेक्शन से बचाएगा। तो माँ का दूध किसी भी केस में नहीं बंद करना है। माँ अगर थोड़ी अनवेल है, नहीं दूध पिला सकती डायरेक्टली, तो वो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके कोई बर्तन में, कटोरी में भी दे सकती है, जो कोई केयर गिवर भी माँ का दूध पिला सकता है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माँ का दूध बंद नहीं करना।